संसद के माननीय सदस्य श्री अविनाश सिंह जी, श्री मुकेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कारगिल विजय भारत माता के जिन महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के कारण प्राप्त हुआ था, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में यह कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को, यानी आज ही के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की घोषणा भी हुई थी। लेकिन इस विजय के साथ ही जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं 10 का दाम। बसपा की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे बंद हो गए। युद्ध जबरन होता है, कैसे पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान अपने आप में एक सिरदर्द बना हुआ है, वही साथ ही साथ भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर दुनिया ने देखा। शेयर होल्डर इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने शेयर होल्डर्स को संबोधित कर सर्वोच्च बलिदान दिया था। लखनऊ से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील चंग, मेजर रितेश शर्मा, इन सब का नाम बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरा देश लेता है। और यही कारण है कि हमारे इन बहादुर जवानों के शौर्य, उनके साहस, उनकी वीरता को ध्यान में रख करके कैप्टन मनोज पांडे को युद्ध के उपरांत तो उनकी अति असाधारण वीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए भारतीय सेना का उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान के लिए सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। प्रदेश सरकार ने देश के पहले सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर ही प्रदेश के अंदर स्थापित किया, जो 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इसके साथ ही सुबेदार मेजर पद को सुशोभित करने वाले तत्कालीन जो लांस नायक थे योगेंद्र यादव ग्रेनेडियर को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश व प्रदेश के उन सभी बहादुर जवानों की वीरता को इस अवसर पर नमन करता हूं तथा देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। इन बलिदानियों का राष्ट्र के प्रति प्रेम, मातृभूमि के लिए प्राण तक न्योछावर करने की भावना, उनका साहस, वीरता आदि के बारे में सोच करके ही हर भारतवासी रोमांचित हो उठता है। जिन्होंने, मैं विशेष रूप से इस अवसर पर उन माता पिता
और उन परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के ऐसे वीर सपूतों को खोया है। इससे बड़ा बलिदान दूसरा नहीं हो सकता। पूरा राष्ट्र उनके प्रति ऋणी है और इस अवसर पर मैं उन सभी भारत माता के अमर सपूतों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, आज हम कारगिल विजय दिवस को ऐसे अवसर पर आयोजित कर रहे हैं जब हमें यह वर्ष देश की आजादी के अमृत महोत्सव